नमस्कार मु आक्युलास प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार मु आपण मानको स्वागत जनाए। आज ध्यान निमन्ते पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एव्री पुस्तक दुई अध्याय एक पदरु नौ पद पर्यंत पाठ करिबा। पुणी आज मुख्य प्रसंग है पुत्रंक साधित परित्राण। अतएव शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आंभ मानकर उचित, नहले काले आंभे माने लक्ष्य भ्रष्ट हेबु। कारण दूत मानक द्वारा कथित वाक्य जदि अटल हो रहिला आ प्रत्येक आज्ञा लंघन ओ अबाध्यता यथार्थ प्रतिशोध पाइला तेबे एपरी महापरित्राण अवहेला कले आंभे माने किपरि रक्षा पाइबा ताहा तो प्रथमरे प्रभुंक द्वारा कथित हो श्रवण करथिबा व्यक्ति मानक द्वारा आंभ मानक निकटरे प्रमाण सिद्ध हेला। से संबंध में ईश्वर मध्य निज इच्छा अनुसार नाना चिन्ह और अभूत कर्म पुणी विविध शक्तिर कार्य और पवित्र आत्मा अन्यान्य दान द्वारा साक्ष्य दे अछंति। कारण जो भावी जगतर कथा आंभे माने कहुछु ताहा से दूतमानक अधीन करिनाहंती, किंतु जणे कौनसी स्थान रे एही कथा कही साक्ष्य दे अछंति। मनुष्य किए जे तुम्भे ताहाकु स्मरण करिथा, मनुष्य संतान किए जे तुम्भे ताहार तत्व नहीं था, तुम्भे दूतमानक ठारु ताहाकु अल्प न्यून करिअछ, तुम्भे ताहाकु गौरव व संभ्रम रूप मुकुटरे भूषित करिअछ, तुम्भे ताहार पाद तले समस्त विषय अधीन करि रखिअछ। प्रकृतरे से समस्त विषय को ताहार वशीभूत करिवारे कौनसी विषय को ताहार अवशीभूत करि छाड़ि नाहंती। आम्भे माने ए पर्यंत समस्त विषय ताहार वशीभूत होइथिबार देखि नाहू सत, किंतु दूतमानक अपेक्षा जे अल्प समय न्यूनकृत होइथिले ताहांकु अर्थात जीशुंकु मृत्युरु दुखभोग हेतु गौरव व संभ्रम रूप मुकुट परिधान करिथिबार देखुअछु। जेपरि ईश्वरंक अनुग्रहरे प्रत्येक मनुष्य निमन्ते से मृत्यु आस्वादन करन्ति। आसु प्रिय दर्शक बंधु पठित शास्त्रांश को बुझिबा। आजिर शास्त्रांश चेतावनी दिए जे जेकोणसी लोक जीशुंक द्वारा प्राप्त परित्राण को अस्वीकार बा बरखास्त करि जिहुदी विश्वास मत निकट को फेरी जाए से विचारित हब। दूतमानक द्वारा दत्त व्यवस्था मुख्यतः जीशुंक आड़क इंगित कला ओ एक चमत्कार रूप से सुसमाचार सेमानक निकटरे उपस्थित हेला, जहाँ दूतमानक ठारु मध्य आहुरी अधिक चमत्कार अटे। जीशु अल्प समय पाए दूतमानक ठारु न्यूनीकृत होइथिले जद्वारा से पापी मानक पाए दुख भोग ओ मृत्युर बोझ को बहन करि पारिबे। जीशु जिए पुनरुत्थित हेले ओ वर्तमान ईश्वरंक दक्षिण पार्श्वरे बसी अछंति, से समग्र सृष्टि उपरे राजत्व करन्ति ओ दूतमाने ताहांकर उपासना करन्ति। आसु ईश्वर किए अटन्ति एई शास्त्रांशरे आमे देखिबा। पांच पदरु नौ पद मध्यरे ईश्वर समग्र सृष्टि को राजत्व करिबा पाए पुनर्बार लोकमानकु उठाइबे। जदियो ईश्वर आद्यरे समग्र सृष्टि उपरे राजत्व करिबार सुजोग लोकमानकु देले जेपरि आदि पुस्तक एक अध्याय छब्बीश रु अठाईस पद मध्यरे लेखा अछि, मात्र मनुष्य संतान माने पाप करिबा द्वारा उक्त शक्ति ओ अधिकारकु हरैले, किंतु ईश्वर जीशुंक द्वारा एई अधिकारकु पुनस्थापन करिबे एहा दृढ़ सुनिश्चित अटे। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु ए समस्त ध्यान रे ईश्वर आज आम मानक कौन शिक्षा दियंती ताहा शिखु। एक रु तीन पद मध्यरे भ्रांतिर पथरे पड़ीबा को एड़ाइबा पाए सुसमाचार को आंभे माने अधिक दृढ़ रूपे धरी रखिबा आवश्यक।
जगतरे भ्रांति विषय गुड़िक आम मानक विभ्रांत करे ओ सुसमाचार को छाड़ी अन्य विषय गुड़िकर अनुगमन करने को प्रोत्साहित करे। आउ सुसमाचार ठारु दूरे जीवा आंभ मान को केवल अमंगल आड़कु कढ़ाई निए ओ आम मानक इतस्तत चालित करे बा दहलाय दिए। सुस्थिर रहिबापाएं सुसमाचारर मूलदुआ उपरे आंभे माने आम मानक जीवन रूपक गृह को निर्माण करिबा उचित। प्रिय दर्शक बंधु आज समस्त ध्यान रे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आंभे माने प्रार्थना करिबा। प्रिय मंगलमय गौरवर परमेश्वर आमे आपणको विशेष धन्यवाद दउछु। आम मानको परित्राण दे आपणा गौरवरे पुनस्थापन करथिबार सुजोग देथिबा तु विशेष विशेष धन्यवाद। गौरव दे जीशुंक नाम रे मागुछु पिता, आमेन।